प्यारे साथ संगत जी प्यार से कि हम धन्यवाद जी साथ संगत जी बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में फरमाया कि इवन अ क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड इज करेक्ट टू टाइम्स अ डे, एक घड़ी जो रुकी होती है वह भी दिन में दो बार सही समय जरूर दिखाती है। हमारे दिल में किसी के प्रति गलत भाव आ जाता है या हम कह देते हैं वो इंसान अच्छा नहीं है, तो हमारे दिल में अगर उसके अंदर कोई इच्छाएं भी है वो भी नजर में आती, उसकी हर अच्छाई को हम इग्नोर कर देते हैं। साथ संगत जी, देयर इज समथिंग बेस्ट इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड देयर इज समथिंग इवन इन द बेस्ट ऑफ अस। हर इंसान में अच्छाई या बुराई जरूर होती है, अभी हमारे पे डिपेंड करता है कि उसकी अच्छाइयों की तरफ हम ध्यान दें या बुराइयों की तरफ। अगर हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देंगे तो जो उसके अंदर गुण हैं उन्हें हम अपने अंदर भी ग्रहण करेंगे, हम पॉजिटिव होंगे। और अगर हम बुराइयों की तरफ ध्यान देंगे तो उसके अंदर तो है पर वही नेगेटिविटी हम अपने अंदर भी उसके बारे में बुरा बोल के अपने अंदर भी वही नेगेटिविटी ले आएंगे। पर अक्सर हम कह देते हैं कि वह इंसान तो बहुत बुरा है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, सबकी निंदा करता है, सबके बारे में गलत बोलता है, सबसे नफरत करता है और सारा समय अपना वो निंदा नफरत में ही व्यतीत करता है। चलो मान लिया वो काफी समय अपना निंदा में व्यतीत करता है, पर हमें तो बाबा जी ने ब्रह्म ज्ञान देके सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है और हम कह रहे हैं कि वो सारा समय निंदा में व्यतीत करता है, तो क्या हम उसी लगन उसी शिद्दत के साथ सेवा सिमरन सत्संग करते हैं? हमारे में सेवा सिमरन सत्संग के लिए क्या वही लगन है? सत्संग जी अक्सर फिर हम ये भी कह देते हैं, हाँ जी हम तो दोनों टाइम सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं। चुन मान लिया हम सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, पर कहीं हमारा ये हाल तो नहीं कि हम संगत में बैठ के प्रीत प्यार ममता मिलजुल के रहने वाली बातें कर रहे हैं, पर जो ही संगत समाप्त होती है हम बाहर निकलते हैं, हम भी वही लड़ाई झगड़ा निंदा नफरत खुद भी तो नहीं शुरू हो जाते? ये तो वही बात हो गई कि वी कैनॉट प्रे इन लव एंड लिव इन हेट एंड स्टिल से वी आर वर्शिपिंग गॉड। अगर हमारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं तो द पॉजिटिव वर्ड्स हैव टू बी रूटेड इन पॉजिटिव डीड्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी दूसरों को भी पॉजिटिव रहने की शिक्षा दे पाएंगे। और जो भक्ति है, असली मायने में भक्ति है, वो तो हमारे को इतना विशाल कर देती है कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी रहती ही नहीं, क्योंकि हमें हर एक इंसान में इस निर्विकार प्रभु परमात्मा का रूप नजर आना शुरू हो जाता है, सब अपने लगने शुरू हो जाते हैं। निरंकार कृपा करे इसी प्रकार का पॉजिटिव भक्ति वाला जीवन सबको दे। प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।